आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आया है फ्रॉम नो रिप्लाई इंडियन आर्मी एट द रेट मेल डॉट डी जी एम एल डॉट कॉम से। ये जो एडमिट कार्ड है उन्होंने खुद भेजा है आपको। ऐसे प्रोसेस में अगर आप चीज़ करोगे, अगर आपकी वहाँ पर कैडेंशियल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, वहाँ पर बार बार आप लॉग इन कर रहे हो नहीं हो रहा है, तो एक प्रोसेस और भी है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, शायद आप लोग को समझ में नहीं आया। यहाँ पर देख सकते हो ये लिंक आपको डायरेक्ट भेजेगा इंडियन आर्मी। यहाँ पर देख सकते हैं www, देखिए सभी के लिए अलग लिंक है। जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे सीधा आपके इंडिविजुअल ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो हमने क्या किया, हेल्प डेस्क की मदद से, किसकी हेल्प डेस्क की मदद से, जिससे एक बंदा था उसकी एडमिट कार्ड नहीं आया था, तो हमने क्या किया www.joinindianarmy.nic.in, जो मैं वीडियो में बाद में दिखाऊंगा कैसे जाके हमने मेल किया और कैसे प्रोसेस में वो आया, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लाइक करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी पर्सनल सवाल है आप मुझे मेल आईडी मेरे चैनल की बायो में है वहाँ से मुझे मेल कर सकते हैं। पहले तो देखिए मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा, ये सिर्फ आज का 13:42 का मैसेज है थ्रू ट्यूसडे, आज ही है 18 अप्रैल 2024 में ये आया है noreplyindianarmy.mail.dgmail.com। यहाँ पर से हमने क्या उनको फीडबैक भेजा था और जो ग्रीवियंस उस दिन बताया था उनको डाला था कि मेरा ऐसे ऐसे नहीं आया है, जो वीडियो को मैं लास्ट में दिखाऊंगा। तो वहाँ पर से उन्होंने ये बोला है कि इंडियन आर्मी कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, ठीक है, ये सेंड किया है टू उस जो आपकी जो भी रजिस्टर मेल आईडी उसमें सेंड करेंगे, ठीक है। वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर उनकी रोल नंबर है, कैटेगरी अग्निवीर जनरल ड्यूटी डियर कैंडिडेट, यहाँ पर इसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। दिस हैज़ रेफरेंस टू द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड ऑन 24/4/22, मतलब 22 तारीख को इनका वहाँ पर एग्जाम है। फॉर रिक्रूटमेंट टू अग्निवीर जनरल ड्यूटी इन इंडियन आर्मी यू आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in एंड लॉग इन यूजिंग द लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट फॉर डाउनलोडिंग टिकट प्रिंटिंग द ई एडमिट कार्ड ऑल्सो भी डाउनलोड फ्रॉम द बिलो गिवन। ये बोल रहा है कि या तो आप www.joinindianarmy.nic.in पे जाइए, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है आपके लिए, वहाँ से डाउनलोड करिए। कौन सा लिंक है, ये जो अल्टरनेटिव में डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम द गिवन बिलो लिंक, और इसी लिंक में आपकी प्रॉब्लम आ रहा है जो क्रेडेंशियल रॉन्ग बता रहा है ना, इनवैलिड, तो इसी में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखो ये जो लिंक है, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर लिखा है ना एडमिट कार्ड में ऑल्सो, यहाँ पर लिखा है एडमिट कार्ड में ऑल्सो भी डाउनलोड फ्रॉम दिस गिवन बिलो लिंक। ये जो लिंक दिया है हॉल टिकट का, ये इंडिविजुअल हर एक बंदे का अलग आएगा, अलग तभी आएगा जब आप अलग अलग से मेल करोगे, वो आपकी मेल आईडी पे ही भेजेंगे, जो आपकी रजिस्टर मेल आईडी होगा उसी पर आपकी एडमिट कार्ड भेज देंगे। इसी को जैसे ही ये ग्रीन कलर का अलग से लिंक है इसको क्लिक करोगे तुरंत आपका एडमिट कार्ड डाउन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या आपको यहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा ना, ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके ये लिंक से क्लिक करोगे फिर वही कैडेंशियल वाला चीज़ें आएगा, फिर जे आई नंबर भरोगे पासवर्ड भरोगे नहीं आएगा, ठीक है। अब बताता हूँ आपको वहाँ फीडबैक कैसे भेजना है, वो प्रोसेस आपको बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना, अपना जीमेल अकाउंट खोलना, सबसे पहले आपका मेल आईडी खोलना, जीमेल अकाउंट खोलना, वही जीमेल खोलना जिस पर आपकी वहाँ पर आपने एप्लीकेशन डाला है, अलग सा भेजोगे तो नहीं होगा, क्लियर बात है, ठीक है। अगर आपका ईमेल वो चल नहीं रहा है, कुछ हो रहा है, उसको ठीक कर लीजिए, उसी में इसे भेजना। ये जो चीज़ें मैंने किया था, एक मैंने ऑनलाइन रजिस्टर किया था जाके इंडियन आर्मी ऑफिशियल वेबसाइट में, एक बंदे का अकाउंट लॉक हो गया था, उसको दिखाने के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो कि चैनल पर पड़ा है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर माई लॉक्ड, यहाँ पर लिखोगे जैसे आपके सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर डाको माई अकाउंट लॉक्ड, यहाँ पर आप लिखोगे माई एडमिट कार्ड हैज़ बिन नॉट रिसीव्ड, यहाँ पर माई एडमिट कार्ड नॉट रिसीव्ड, सिंपल लिखोगे सब्जेक्ट में माई एडमिट कार्ड नॉट रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे, उसके नीचे में लिखोगे, आप हेडलाइंस डाल दिया माई एडमिट कार्ड नॉट रिसीव्ड, इसको नोट कर लेना, ठीक है। लिखोगे सर माई एडमिट कार्ड हैज़ बिन नॉट रिसीव्ड येट, माई एग्ज़ाम जो डेट है आपका वहाँ पर डालोगे, इट टू हेल्ड इन अग्निवीर जीडी ऑन 22 तारीख को, ठीक है। तो प्लीज़ सेंड मी द एडमिट कार्ड लिंक, क्या करोगे, प्लीज़ सेंड मी द एडमिट कार्ड लिंक, जो भी मेल भेजोगे एक ही मेल भेजोगे उनको, दो मेल बार बार नहीं भेजना, ठीक है। तो उसको जो क्या करोगे, जैसे ये मैंने भेजा था ना उनको, उन्होंने 18 को मैंने भेजा था, देख सकते हो आपका डेट, मार्च 18 को मैंने भेजा था ऐसे ही, और मार्च 19 का उनकी रिप्लाई आ गया था, ठीक है। ये देखो, अगर ये वीडियो देखने के बाद अभी शाम को अगर आप उनको मेल करते हो तो कल तक आपकी एडमिट कार्ड आपके हाथ में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, डियर कैंडिडेट योर अकाउंट हैज़ बीन अनलॉक्ड और एक्टिवेटेड, इफ़ यू डोंट रिमेंबर पासवर्ड अवेलेबल फॉरगेट टू रीसेट योर पासवर्ड, ठीक है। ये अकाउंट इन्होंने
अनलॉक कर दिया था, क्योंकि मैं जो रजिस्टर मेल आईडी है उसकी थ्रू उनको मैसेज किया था। सेम आपकी प्रोसेस वही रहेगा, और जो हेडलाइंस रहेगा आगे सर, अबाउट माई एडमिट कार्ड नॉट रिसीव्ड, यहाँ पर डालोगे सर माई अग्निवीर जीडी, आई एम अग्निवीर जीडी कैंडिडेट, माई एग्जाम टू बी हेल्ड ऑन 22 अप्रैल 2024, आई येट आई एम नॉट रिसीविंग माई एडमिट कार्ड, प्लीज सेंड मी माई एडमिट कार्ड लिंक, इतना ही डालोगे। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके सुन लेना मैं जो बताया, ये डालोगे। डालने के बाद यहाँ पर भेजोगे, किस में भेजोगे, आपको एक मेल आई डी यहाँ पर है, देखो यहाँ wm.joinindianarmy@gov.in, जो इसमें बताया ना वही डालना, wm.joinindianarmy@gov.in। ये मेल आई डी कहाँ से आया, मेरे मन से आया नहीं, ये मेल आई डी मेरे मन से नहीं आया। आप अभी जाओ ऑफिशियल पेज इंडियन आर्मी की, www.joinindianarmy.nic.in, सबसे नीचे आ जाओ, सबसे नीचे वहाँ पर लिखा होगा फीडबैक, फीडबैक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, या फिर आपको एक डाउनलोड सेक्शन दिखाया था, डाउनलोड सेक्शन से आ जाओ। नीचे में सपोर्ट में ग्रीवेंस डालने के लिए, आपकी ऑब्जेक्शन कंप्लेंट डालने के लिए यही एक मेल आईडी होता है, जिसके अंदर आपको तुरंत रिप्लाई आता है। आई नो वहाँ से बहुत सारे फ़ोन नंबर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पर मेल करिए wm.joinindianarmy.gov.in। ठीक है, यहाँ पर करोगे, जैसे ही करोगे नेक्स्ट दिन आपकी जो रजिस्टर मेल आईडी पे है वहाँ पर से आपको लिंक आ जाएगा, जो लिंक मैं प्रीवियस में दिखाया, उस लिंक को क्लिक करें, सीधा आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आपको कहीं जाके JIA फिर रोल नंबर पासवर्ड डाल के क्रेडेंशियल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इनवैलिड नहीं आएगा। ठीक है, ये एक बार करके देखो फिर बताना। इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद।